रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिथिला से भी लगातार तोहफे भेजे जा रहे हैं। जनकपुर से भारी यात्रा के बाद अब सीतामढ़ी से रामलला के स्वागत के लिए फल, मिठाई और पवित्र जल भेजने की तैयारी है। और ये भारी यात्रा 13 जनवरी को सीतामढ़ी से 101 गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना होगी, जिसमें जल के साथ साथ माता सीता की जन्मस्थली की मिट्टी भी अयोध्या धाम लाई जाएगी। प्रतिष्ठा से पहले उत्सव में डूबी रामनगरी, अवधपुरी में प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत की तैयारी। अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है, ऐसे में देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और भक्त अपने आराध्य के स्वागत में जुटे हैं। प्रभु श्री राम के ससुराल मिथिला से एक और सौगात अयोध्या भेजी जा रही है। रामलला के स्वागत में उनके ससुराल सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से एक और भार यात्रा अयोध्या रवाना होने वाली है। इस भार यात्रा में मिथिला से प्रसाद, फल और मिष्ठान के साथ साथ माता सीता की जन्मस्थली से मिट्टी और पवित्र जल भी अयोध्या भेजा जाएगा। ये यात्रा 101 गाड़ियों के काफिले के साथ 13 जनवरी को सीतामढ़ी से अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी। माता जी क्या कहते हैं, ये हमारे समाज, हमारे संत समाज, हमारे ग्रामीण, ये जो सामान सामग्री जो है, जय रसोई से लेकर के एवं प्रकार का जो सामान जो बाहर जो 1100 जो भेजेंगे तो अलग, लेकिन साथ साथ यहाँ से यहाँ का मिट्टी और जल भी जाएगा, क्योंकि यहाँ मिट्टी से निकली है, जल यहाँ का पवित्र है और यहीं के जल जाने से जो घर बना तो यहाँ का जो मिट्टी और जल वहाँ जाना जरूरी है। इससे पहले नेपाल के जनकपुर धाम से भी भार यात्रा अयोध्या भेजी गई थी और अब बिहार के सीतामढ़ी से रामलला को भार देने की तैयारी है। उसमें हम लोग सीता माँ की धरती से जल और मिट्टी के साथ साथ 1151 शनेश दौड़ा और साजबाज, वहाँ की जो राम रसोई है वहाँ हम लोग सीता रसोई से भी वहाँ हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। राम भक्तों का उत्साह इस समय सातवें आसमान पर है, क्योंकि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 14 दिन शेष हैं और देश भर में उत्सव और उल्लास का माहौल शुरू हो गया है। अब 22 जनवरी की शुभ घड़ी का इंतजार है, जब राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह, सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।